सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। राज्य सरकार ने आज बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। आपको बताते चले कि समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को राजधानी पटना का नया एसएसपी बनाया गया है। वहीं पटना के मौजूदा एसएसपी उपेंद्र शर्मा का डीआईजी पद पर प्रमोशन होने के कारण नए एसएसपी की नियुक्ति की गई है और सरकार ने कई जिलों के एसएसपी और एसपी का ट्रांसफर किया है। आपको बताते चले कि बिहार में कुल 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का अधिसूचना जारी किया गया है। इसी कड़ी में समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को पटना का नया एसएसपी बनाया गया है, जबकि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम को दरभंगा से हटाकर भागलपुर का एसएसपी बनाया गया है एवं नवीन चंद्र झा को पूर्वी चंपारण के एसपी से हटाकर पटना पुलिस हेडक्वार्टर में वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया है, जबकि जमुई के एसपी प्रमोद कुमार मंडल को जमुई से हटाकर पटना रेल का एसपी बनाया गया है। वहीं अवकाश कुमार को बेगूसराय से एसपी के पद से हटाकर दरभंगा का नया एसएसपी बनाया गया है, जबकि कुमार आशीष को किशनगंज के एसपी पद से हटाकर पूर्वी चंपारण का नया एसपी बनाया गया है। वहीं डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू को बिहार पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक पद से हटाकर किशनगंज का नया एसपी बनाया गया है। अशोक कुमार सिंह को अररिया का नया एसपी बनाया गया है और वे मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के एसपी पद पर तैनात थे, जबकि डी अमरकेश को पटना के ट्रैफिक एसपी से हटाकर सुपौल का नया एसपी बनाया गया है। वहीं योगेंद्र कुमार को बेगूसराय का नया एसपी बनाया गया है, जो फिलहाल मधेपुरा के एसपी पद पर तैनात थे। आपको बताते चले कि हृदय कांत को समस्तीपुर का नया एसपी बनाया गया है और वे अररिया के एसपी पद पर तैनात थे। वहीं कटिहार का नया एसपी जितेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो पटना के सिटी एसपी पूर्वी पद पर तैनात थे। वहीं पटना के सिटी एसपी बेस्ट अशोक मिश्रा को नालंदा का नया एसपी बनाया गया है एवं सौर्य सुमन को जमुई का नया एसपी बनाया गया है। वे अब तक मधुबनी के जयनगर में एसडीपीओ के पद पर तैनात थे। वहीं पटना के सिटी एसपी मध्य अम्बरीश राहुल को पटना के ट्रैफिक एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एवं प्रमोद कुमार यादव को पटना का नया सिटी एसपी पूर्वी बनाया गया है। वे अब तक सीतामढ़ी के पुपरी में एसडीपीओ पद पर तैनात थे। वहीं राजेश कुमार को मधेपुरा का नया एसपी बनाया गया है, जो मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी के पद पर तैनात थे। आपको बताते चले कि दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद को मुजफ्फरपुर का रेल एसपी बनाया गया है, जबकि शिवहर के एसपी संजय भारती को कटिहार का रेल एसपी बनाया गया है। वहीं अनंत कुमार राय को शिवहर का नया एसपी बनाया गया है, जो बीएमपी वन में एएसपी पद पर तैनात थे। वहीं राजेश कुमार को पटना का नया सिटी एसपी वेस्ट बनाया गया है और वे औरंगाबाद के दाऊदनगर में एसडीपीओ के पद पर तैनात थे। और इस तरह से राज्य सरकार ने कुल 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है और कई जिले में नए एसपी की तैनाती की है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।